करते हैं अगली खबरों का रुख कर लेते हैं। आज 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इस नीलामी से सरकार को 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिलने की उम्मीद है। ये नीलामी हिट रही है, खास तौर से पूर्वी यूपी के जोरदार के लिए जोरदार बोलियां मिली हैं। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं, जी मीडिया संवाददाता अम्बरीश पांडे हमारे साथ है। अम्बरीश, 5G स्पेक्ट्रम नीलामी पूरी हो चुकी है और साल के अंत तक कुछ शहरों में 5G सर्विस शुरू भी हो जाएगी, और सबसे ज्यादा बोली यूपी के नाम। जी बिल्कुल सही कहा आपने, 40 राउंड के बाद सातवें दिन जाकर ये ऑक्शन की प्रक्रिया कंप्लीट हुई है और सरकार के खाते में जो राजस्व आया है वो अनुमानित तौर पर 1,50,173 करोड़ के आसपास का है। सरकार अभी आधिकारिक आंकड़े बाकी आना है बाकी, लेकिन इससे पहले अभी तक जो आंकड़े कल के थे और उससे आज का अंदाजा मिलाकर ये आंकड़ा हमने जो आपको दिया है वो है। सरकार ने इसके पहले कहा था कि पहले दिन जो प्रीमियम स्पेक्ट्रम था उसकी सबकी नीलामी हो चुकी थी, यानी कि 2600 मेगाहर्ट्ज़ मतलब कि 26 गीगाहर्ट्ज़, 1700, 1800, 2200 वाले, 3300 वाले जितने भी स्पेक्ट्रम थे वो पहले दिन ही नीलाम हो चुके थे और उस नीलामी से लगभग सरकार को पहले ही दिन 1.44 लाख करोड़ रुपए का जो राजस्व है वो प्राप्ति हुई थी। अब सरकार जो है बाकी जो 6 दिन थे उसमें नीलामी की प्रक्रिया थोड़ी स्लो थी। उसके पीछे वजह ये बताई जा रही थी कई सारे जो सर्विस एरियाज हैं उनके प्रति लोगों का रुझान कम था और वहाँ पे बुके में वो धीरे धीरे छोटे छोटे चंक्स के लिए स्पेक्ट्रम चूज कर रहे थे। लेकिन जो सबसे आखिरी 2 दिन थे उसमें स्पेक्ट्रम नीलामी की प्रक्रिया ने थोड़ी तेजी पकड़ी है और सबसे ज्यादा जो फोकस रहा है वो है यूपी ईस्ट पर। अगर हम यूपी ईस्ट की बात करें तो उसके पीछे एक बड़ी वजह जो इंडस्ट्री की तरफ से ये बताई जा रही है कि एक बड़ा कस्टमर बेस है उस एरिया में। इसके अलावा जो गवर्नमेंट की डेवलपमेंट पॉलिसीज हैं वो वहाँ पे फोकस्ड हैं, यानी कि एक्सप्रेस वे हो, सर्विस पार्क्स हों, टेक्सटाइल पार्क्स हों, डिवाइस पार्क्स हों, मोबाइल पार्क्स हों, इस तरह की चीज़ें वहाँ पे बहुत ज़्यादा आने की उम्मीद है। तो इस वजह से इंडस्ट्री और जो टेलीकॉम कंपनीज हैं उनका फोकस था कि वो यूपी ईस्ट का जो स्पेक्ट्रम है उसकी सबसे ज़्यादा जो स्पेक्ट्रम है वो अपने पास ले सकें और उसी के हिसाब से उसकी बोलियां लगी। अगर हम रिजर्व प्राइस की बात करते हैं तो सिर्फ यूपी ईस्ट की बात कीजिए, 151 करोड़ का रिजर्व प्राइस था और जो कि बढ़कर हुआ था 163 करोड़, यानी कि जो रिजर्व प्राइस है उससे भी ज्यादा की बोलियां लगी हैं। और सबसे ज्यादा जो इंटरेस्ट शो किया गया है वो है 1800 मेगाहर्ट्ज़ वाली जो स्पेक्ट्रम बैंड है, यानी कि हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस एरिया में अगर सर्विस शुरू होगी तो सबसे पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश को फायदा होगा। आपने दूसरा सवाल पूछा था कि किस किस एरिया में इसका फायदा होगा, तो अगर हम देखें तो पिछले एक साल से 13 ऐसे स्पॉट्स हैं देश भर में जहां पर कि ट्रायल हो रहा था 5G का, जिसमें कि बनारस है, लखनऊ है, अहमदाबाद है, दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है, इसके अलावा चंडीगढ़, मोहाली है, तो इस बेंगलोर है, हैदराबाद है। इन सारे 13 एरियाज में सबसे पहले जो स्पेक्ट्रम नीलामी के बाद आवंटन के बाद सबसे पहले जो सेवा है वो शुरू होने की उम्मीद है। अब जब आगे की प्रक्रिया ये होगी कि स्पेक्ट्रम का ऑक्शन आज पूरा हो गया है, आधिकारिक आंकड़ों के बाद आज से सरकार स्पेक्ट्रम आवंटन का काम शुरू करेगी, लेकिन उसके पहले अगले 10 दिन में कंपनीज को जो इन्होंने कमिटमेंट की है, ये सारे इन्वेस्टमेंट की, ये पैसा सरकार के खाते में जमा कराना होगा। उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। सरकार का ये उम्मीद है कि 15 अगस्त से पहले ये सारा आवंटन कर देंगे और साल के अंत में हम देख सकते हैं अक्टूबर तक, सेप्टेम्बर के लास्ट या फिर अक्टूबर तक 5G की कमर्शियल सर्विसेज। जी बहुत धन्यवाद करेंगे अम्बरीश, पूरी खबर पर और ज्यादा विस्तार से डिटेल्स बताने के लिए हमें।